आज कथा का पहला दिन है। नाश्ता आ चुका है, गुरुदेव लोग खा चुके हैं, ये भाई भी खा चुके हैं, मैं सिर्फ बचा हूँ। सब लोग खा चुका, मैं भी खाऊंगा। और यहाँ कथा के पहले दिन कलश यात्रा निकाली जाती है भगवत कथा में, तो उसकी शुरुआत हो गई है। ये खूब खुशी से नाच रहे हैं चाचा जी, और कलश यात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। बेचारा डीजे वाले का डीजे फंस गया था मिट्टी में, तो धीरे धीरे लाया। थोड़ा थोड़ा डीजे वाला हीरो भी बन रहा, देख रहे हैं गाड़ी चलाते समय पूरा सांप की तरह लहरा लहरा के चला रहा है, पर भगवान जाने उसका क्या होगा। हम लोग चलते हैं कलश यात्रा में जा रहे हैं। देखिए अच्छा सा बीच में नदी मिला हुआ है, और यजमान परिवार पूरा एकदम शामिल है, अच्छे से नाचते गाते धूम मचाते हुए सब लोग जा रहे हैं अच्छे से मिजाज में, और आगे को बढ़ते हुए। और यहाँ पे लोग छाया करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे को बढ़ेंगे। यहीं से पानी लेना है, जल लेना है, कलश में भरना है, और आगे को बढ़ेंगे। धीरे 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 आगे को बढ़ रहे हैं, और यहाँ गुरुजी आचमन कराते हुए यजमान परिवार को कलश में जल भरते हुए, और तुरंत यहाँ से जल भर कर फिर पंडाल की तरफ जाया जाएगा। मोबाइल मेरे हाथ में है इसलिए मैं नहीं दिख रहा हूँ। और यहाँ शर्मा जी लिए हुए हाथ में थाली, गुरु जी उनको पुष्पांजलि कराते हुए, और फिर मंत्र पुरोहित पंडित जी बोल रहे हैं, गुरु जी भी बोल रहे हैं, और जल्द ही कलश में जल भरा जाएगा, वो सब आप भी देखेंगे। फिर उसके बाद सब लोग जाएंगे पंडाल में। बहुत दूर आए हैं हम लोग, काफ़ी दूर, थक चुके हैं सभी लोग। सब लोग के मुंह पे पसीना हो गया है, थकावट सबके चेहरे पर है। काफ़ी 1.5-2 किलोमीटर धूप में आ गया है, अधिक ही होगा, 1.5-2 किलोमीटर से शायद 3 भी हो सकता है, 3.5। यहाँ पूजा पाठ हो रहा है, और जल्द ही आगे बढ़ेंगे सब लोग। पंडित जी पूजा पाठ करा रहे हैं यजमान परिवार को, पुरोहित मेन पुरोहित यही है यजमान, और पंडित जी पूजा करा रहे हैं। बाकी सब लोग पीछे बैठे हैं छाया में, जो मुख्य यजमान है वो पूजा कर रहे हैं। अब जल भरा जाएगा, जल भरा जा रहा है, माँ शर्मा जी भर रहे हैं जल, और यहाँ पे यजमान परिवार पत्ते को कलश में डालते हुए, आम के पत्ते को, और जल्दी जल्दी सब कलश भर रहे हैं। कलश भर के फिर कलश में जल भरा जा रहा है, जल्दी जल्दी सब लोग निकल रहे हैं। पीछे के सभी पार्टी वाले निकल चले हैं। धूप काफ़ी हो गई है, फरवरी में ही काफ़ी धूप लग रही है। और यहाँ इस गांव में ये नदी है, साफ तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब गंगा ही साफ नहीं है तो बाकी नदियों का क्या हाल, लेकिन इसी में से जल भरा जा रहा है। बारी बारी से जल भरेंगे, उसके बाद सब लोग निकलेंगे फटाफट फटाफट पंडाल की तरफ। देखिए यहाँ पे सर पे कलश को लेते हुए, सिर पे अपने रखते हुए, और जल्दी जल्दी सब लोग भर रहे हैं। बहुत सारा लेना है, बहुत सारा रखना है, लेके चलना है। फिर इसके बाद अब सब लोग वापसी करते हुए, देखिए सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे, सभी यहाँ रेस्ट कर रहे थे, अब ये लोग भी सब उठ के चल देंगे जल्दी जल्दी। और हम सब भी यहीं पे हैं, चल रहे हैं हम लोग भी, और यात्रा आगे को बढ़ते हुए। कलश यात्रा है, पहले दिन काफ़ी इंजॉय किया गया इस चीज़ को। मध्य प्रदेश के टूर में, भागवत कथा का टूर पर हम लोग आए हैं भागवत कथा करने। हम लोग संगीत वाले हैं, तो हम लोग को कोई विशेष काम नहीं है, शाम को गाना बजाना करना होता है। बाकी आप सबके लिए ब्लॉग दिखा रहे हैं, ताकि आप लोग सब लोग भी इंजॉय करें और चीज़ों को जानें भागवत कथा में कैसे दिखाया जाता है, क्या किया जाता है। और अब ये लोग चलेंगी, महिलाएँ लोग लेकर के कलश को, और जो मेन पुरोहित हैं, जो मेन यजमान हैं, मुख्य यजमान, वो अपने सर पे भागवत को लेकर के चलेंगे, भागवत जी को। और ये बच्चियाँ और ये माता बहन जो भी हैं, भाभी लोग, सब लोग लेकर के जाएंगी कलश यात्रा, अपने सर पे रखी हुई हैं कलश को। और ये देखिए चढ़ते हुए, काफ़ी अच्छी खासी धूप लग रही है, सबके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। और ये देखिए घड़ी जिसका दिख रहा है, वो हमारे जितेंद्र भाई हैं, और सभी लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं। और जल्दी हम लोग ऊपर का दृश्य भी दिखाएंगे, वो पुल का, पुल उसी पुल पर से जो दिख रहा है उसी पर से हम लोग आए हैं अभी। और ये लोग इधर से चढ़ेंगे, और हम लोग तिरछे ही मार दिए हैं अभी, शॉर्टकट मार दिए हैं, पहाड़ जैसा, राजस्थान जैसा दिख रहा है, तो तिरछे ही मार दिए। मध्य प्रदेश में राजस्थान जैसी फीलिंग आ गई है यहाँ पे, और काफ़ी पहाड़ जैसा और झील,
झरने जैसा है पूरा। और मध्य प्रदेश के रीवा शहर के मार्ग ग्राम सभा में हम लोग पटहरा में हैं। और यहाँ पे देखिए ये बाजार था, हम लोग यहाँ भी तिरछे मार दिए हैं, ये तिरछे मार दिए। तिरछे मारने से 1.5 किलोमीटर का फ़ायदा हुआ है, 1.5 किलोमीटर हम लोग को कम चलना होगा, ये गुरु जी चल रहे हैं। बीच में नायाब चीज़ देखने को मिला कि 3-4 ट्रांसफार्मर कहीं जगह लगे हुए हैं और बिना किसी सेफ्टी कवच के, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। और यहाँ देखिए सब लोग लगभग आ चुके हैं कलश को लेकर के पंडाल में, कलश में जल भर कर। और यहाँ डीजे वीजे भी जल रही हैं। और यहाँ देखिए छोटा सा मंदिर भी है जजमान के द्वार पे ही। और ये बहुत सुंदर पंडाल सजा हुआ, जजमान जी देखिए सिर पे अपने भागवत जी को लेकर चल रहे हैं, आगे आगे पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं, बच्चियाँ छोटी छोटी जो कि हमको बहुत मान रही हैं। और ये बहुत सुंदर पंडाल बना हुआ है, यहीं पे हम लोग का मंच देखिए साइड में लगेगा अब। और ये गुरु जी बैठ चुके हैं अपने गद्दी पर, व्यास गद्दी पर आचार्य जी। और उसके बगल ठीक बगल में हमारा मंच लगा हुआ है, शाम को हम भजन सुनाएंगे। ये देखिए माता जी खुशी के मारे नाच रही हैं, इन्हीं के घर भागवत हो रही है तो ये इतनी खुश हैं कि नाच रही हैं खुशी से। और सभी लोग अब परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा कर रहे हैं जितने लोग कलश यात्रा में शामिल हुए थे भागवत जी को और कलश को लेकर के, बाकी सभी लोग जिनकी इच्छा है। प्रथम दिवस की कथा पर बैठ गए हैं हम लोग, गुरु जी वहाँ बैठे हैं, पूजा पाठ स्टार्ट हो गई है। और आज हम मल्टी बने हुए हैं, देखिए हारमोनियम भी बजाएंगे और यहाँ गाएंगे भी, ये झाल भी बजाएंगे, ऑर्गन भी बजाएंगे, ठीक है, तो सारा चीज करेंगे। कोई गलती होगी तो माफ करिएगा हम लोग, क्योंकि मेरा एक साथी नहीं आया हुआ है, ठीक है। ये प्रथम दिवस की कथा स्टार्ट हुई। इधर हमारे जितेंद्र भाई चड्डी वाले बैठ चुके हैं, चड्डी खरीद लिया बेचारा, लेकिन चड्डी खरीद लेके ये भी डबल लेके बैठा है, तबला ढोलक। उधर भैया साउंड सिस्टम बहुत अच्छा किया, धन्यवाद उनको। बाकी बीच में कथा भी सुनाएंगे, लास्ट में भजन भी सुनाएंगे आप सबको, तो बड़े रहिए वीडियो में। दम निकले हे बाके बिहारी लाल, दुनिया में बहुत हमने पाप किए हैं, लेकिन जिस वक्त इस शरीर से प्राण निकले, दम निकले, तो यहाँ पे बैठे सभी हमारे माता बहन, चाचा भैया जो भी हैं, गुरुदेव हो, हमारे साउंड वाले भैया हो, सबकी इच्छा यही होगी कि जिस वक्त इस शरीर से दम निकले, बस बस एक बार, हे मुरली वाले, बस बस एक बार इस जिह्वा पे आपका नाम आ जाना चाहिए। कौन कौन चाहेगा कि इस जिह्वा पे मुरली वाले का आखिरी समय में नाम आ जाए? जिनके पास दोनों हाथ हो वो दोनों हाथ खड़ा करें, दोनों हाथ जिनके पास हो, जिनके पास नहीं होंगे उनसे कोई कहना नहीं।